चलो एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम शोइंग एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाई लेटरल सिमिट्री टू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी. तो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. और एक और है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज इन मास बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनल. तो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप व्हिच पॉसेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स. बताओ. ऐसा आपको चूज करना है व्हिच इज हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो पहले तो कहां से स्टार्ट हो रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एस्केल्मेंथिस से, राइट? बाइलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, ट्रू सीलोमेट होने चाहिए. तो ट्रू सीलोमेट विद सेगमेंटेशन तो एनालिडा में दिख रहा है, राइट? तो कहां कहां पे हो सकता है सेगमेंटेशन वाला पॉइंट भी दे आर एडिंग. तो ये इज मेकिंग यू ऑब्वियस कुछ सेगमेंटेशन कहां कहां मिलने वाला है. एनालिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा. गॉट इट? क्लियर है कि व्हाई वी आर चूजिंग दिस ऑप्शन? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं पूछ रहा पुष्किन, ये पूछ रहा है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ऑफ वॉचिंग बाइलेटरल सिमेट्री कहां पे हो रही है. ट्रू सीलोमेट होने चाहिए वो, तो ट्रू सीलोमेट कहां से स्टार्ट हो रहा है? एनालिडा से. अलोंग विद वो कह रहा है कि सेगमेंटेशन होनी चाहिए बॉडी की. तो सेगमेंटेशन तो तीन ही जगह है, और कॉर्डेटा, और उनमें ये सारे फीचर्स फिट है, राइट? एंड इंक्रीज इन मास बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनल. तो ये आप देख रहे हो, ये डायनामिक पॉइंट हटा दो तो ये बी वाला ऑप्शन है. ओके, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर टू सीलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री? तो देखो, स्पॉन्जेस, कोरल्स, टीनोफोर्स, फ्लैटवर्म्स. सॉरी, एस्केल्मेंथिस, एनालिडा, एडल्ट एकाइनोडर्म और प्लैटीहेल्मेंथिस. अभी बताओ. ट्रू सीलोमेट होने चाहिए विद बाइलेटरल सिमेट्री. प्लैटी है ट्रू सीलोमेट? नो. कटा. एनालिडा है ट्रू सीलोमेट विद बाइलेटरल सिमेट्री, है कि नहीं? यस मैम, इट इज. एस्केल्मेंथिस में सूडो सीलोम. एडल्ट एकाइनोडर्म्स क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल है. और ये सूडो सीलोम. तो सिर्फ क्या बचा? एनालिडा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर थ्री, और ये पी वाई क्यूज है, लाइक चेक के हाउ मच यू आर नोइंग, आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं. और अभी आई विल शो यू द असाइनमेंट. असाइनमेंट का जो लेवल है, दिस इज मच हायर देन दिस. ठीक है, दैट इज मच हायर देन दिस. तो आप असाइनमेंट करिए, आपको प्रैक्टिस होगी एंड देन यू कैन कोप विद ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली. चलिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? बहुत आसान सा है. प्लेटफॉर्म्स हैं, टीनोफोर्स हैं, कोरल्स हैं या स्पंजेस हैं? प्लेटफॉर्म्स. प्लैटीहेल्मेंथिस. मैंने क्या कहा था कि प्लैटीहेल्मेंथिस बेचारा इज द ओनली फाइलम के वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है बट नॉन सीलोमेट है, ए सीलोमेट है. बट क्वेश्चन में तो दे आर आस्किंग यू ओनली ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना? क्लियर? चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर फोर. एक मिनट. Which one of the following statement about certain given animals is correct? Okay, roundworms, Escalmenthes are pseudocoelomate. ठीक है, mollusca are acoelomates. ऐसा है क्या? Insects are pseudocoelomates. ऐसा है क्या? Flatworms are coelomates. ऐसा है क्या? अभी बताओ. How it is? ए. बिल्कुल क्लियर. एस्केल्मेंथिस ही है विच इज सूडोसीलोम. और एस्केल्मेंथिस के वॉर्म्स को क्या बोलते हैं?
राउंडवॉर्म्स एग्जांपल एग्जांपल एस्कैरिस एस्कैरिस बहुत फेमस है. एस्कैरिस बिल्कुल क्लियर इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी होना चाहिए एंड साथ ही साथ ट्रिप्लो भी. तो तीनों फॉर्म्स होंगे नहीं सीलेंट्रेट्स होंगे क्यों बच्चों? स्पॉन्जेस वेरी गुड क्लियर हो रहा है ना. एक बार ये करे थे जब वी वर इन द पार्ट ऑफ द चैप्टर और आज जब फिनिश है तब देखो अच्छे से आ रहे हैं. चल नेक्स्ट आ जाते हैं और यहीं से यू कैन जज योर परफॉर्मेंस कि आपको कितना आ रहा है. इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द पीवाईक्यू दैट वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6. बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय. मतलब कौन डिपिक्ट कर रहा है इसको बाइलेटरली सिमेट्रिकल और एसीलोमेट. तीनों फोरम कैसा सिमेट्री है? एस्केलमेंथस में बाइलेटरल. प्लैटीहेलमेंथस में बाइलेटरल. एनालिडा में बाइलेटरल. ये तो हो गई सिमेट्री. अब आ जाते हैं सीलोम पे. तीनों फोरा एसीलोमेट. एस्केलमेंथिस सूडोसीलोमेट. प्लैटीहेलमेंथस एसीलोमेट. एनालिडा सीलोमेट. आंसर एनालिडा. एसीलोमेट पूछ रहा है. एसीलोमेट मैम. प्लैटीहेलमेंथस. ठीक है एकदम खुश हो जाता है क्वेश्चन देख के और गलत कर देंगे. अब कभी कभी हमें भी बॉच एक्चुअली वही समझते हैं हम जो हम देखना चाहते हैं. हमारे मन में है कि सीलोमेट पूछेगा बट यहाँ पे ये सीलोमेट दे आर आस्किंग. सो ब्रेन को ओपन रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. आ लो जल्दी से. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. देखो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स. ये क्वेश्चन हमने छोड़े थे उस टाइम पे राइट. कॉर्डेट से आ रहे हैं पाइसिस से आ रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं? सोचो सोचो. क्लोज 6 to 15 पेयर्स. दूसरा पूछ रहा है हेटरोसीरल कॉर्डल फिन देन एयर ब्लैडर. एयर ब्लैडर कहां पर होगा? पहली चीज ये क्लियर कर लो. ऑस्टिक्टिस में. पॉइजन स्टिंग ट्राइगम में. क्लियर बिल्कुल. 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट कहां पे? ट्राइग्लोस्टोम. और हेट्रोसीरल कॉर्डल फिन क्योंकि वहां पे कॉर्डल फिन सिमेट्रिकल नहीं है लाइक ऑस्टिक्टिस. तो ऑप्शंस अब मिला लो तुम. ठीक है क्वेश्चन नंबर 8. Wait. Which of the following statement. अपनी आ रहा है समझ में? गुड. आई एम वॉचिंग यू आर सॉल्विंग. बस माइक में भी एक्टिव रहिए. बी एक्टिव विद योर माइक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. ऐसा है क्या? वो किसमें था? विच वॉज द फर्स्ट ट्रू कॉर्डेट. यूरोकॉर्ड की जगह अगर दे हैव सिफेलोकॉर्ड देन ये लाइन सही होती राइट. इफ यूरोकॉर्डेट की जगह दे हैव सेड सिफेलोकॉर्ड तब दिस पॉइंट हैज बीन करेक्ट. ठीक है अभी ये पॉइंट फॉल्स है. बी इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली. क्या इस पॉइंट में ट्रू है? यस सेंट्रल नर्वस सिस्टम
कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। यस मैम। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला, हेमी कॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, ऐसा कुछ है? नो मैम। नो मैम। ठीक, तो क्या बचा? बी एंड सी। कैसा ऑप्शन है? डी। डी। चल गुड, मजा आ रहा है? यू ऑल आर एंजॉयिंग? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ फिर। Which of the following animals does not undergo metamorphosis? तो ये तो याद रखना पड़ेगा कि कहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट है ना? जहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वहां पे तो इट इज मेटामॉर्फोसिस, राइट? सो सोचो जल्दी से। मॉथ, स्टारफिश, ट्यूनिकेट्स क्या थे? वहां पर भी तो इनडायरेक्ट था, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस था। स्टारफिश में भी लार्वा है, मॉथ में लार्वा है कि नहीं? मॉथ इज लाइक बटरफ्लाई। तो क्या बचा? अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी बताओ, फिगर याद करो, क्रॉप एंड गिजर्ड जहां देखी थी? एव। यस, बिल्कुल सही। एव क्रॉप क्या होती है? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। गिजर्ड क्या थी? ग्राइंडर। ग्राइंडर हो गया। चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होमियोथर्म? होमियोथर्म का मीनिंग वॉर्म ब्लडेड। तो कौन होमियोथर्म नहीं है? कैमिलस, कैमिल होगा कि नहीं होगा? चिलॉन, टर्टल। टर्टल क्या है? रेप्टाइल है क्या है? मैक्रोमस क्या है? मैमल है। मैक्रोपस कॉमन नेम? मंकी। पिसिटाकुला? पैरेट। चिनोन? टर्टल। कैमिलस? कैमिल। तो इंपॉर्टेंट समझ में आई जूलॉजिकल नेम की? क्वेश्चन यू कर लोगे बट यू शुड रिमेम्बर द नेम। तो क्या बचा? रेप्टाइल। रेप्टाइल इज अ पोइकिलोथर्म, तो ये होमियोथर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमीकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट इज क्या? हेमीकॉर्डेट के पास नर्व कॉर्ड है? एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये शेयरिंग तो नहीं है। दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड बट दिस इज नॉट अ फीचर विद द शेयर विद कॉर्डेट, राइट? फैरेनिक्स विद गिल स्लिट्स एंड फैरेनिक्स विदाउट गिल स्लिट्स, इसमें से क्या शेयर करेंगे? बी या सी? बोलो, कॉर्डेट का फीचर बोलो। कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। फैरेनिक्स विद गिल स्लिट्स शेयर करेंगे ना? यस मैम, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल मैमल्स आर विविपैरस। सारे मैमल्स विविपैरस हैं? पहली चीज ये। नो मैम। उसमें से कुछ क्यों आपने पढ़ा है? प्रोटोथीरिया है, थीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है? विविपैरस। तो यही से क्लियर हो गया कि ऑल मैमल्स आर नॉट विविपैरस। रॉन्ग है। ऑल साइक्लोप्रोमेट्स डू नॉट पॉसेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। इस बात में तो कुछ सच्चाई लगती है, isn't it? Yes, ma'am. All reptiles have three chambered heart. यहाँ पर reptiles have
three chambered heart. But crocodile have four chambered. Exception है ना? So ये भी wrong हो गया. All Pisces have gill covered by operculum. Osteichthyes में तो ठीक है. But what about chondrichthyes? जहाँ पे operculum is absent. So ये बात भी. So क्या बचा? Cyclostomates do not possess jaws and paired fins. Cyclostomates क्या है भाई? जल्दी बताओ. They are from Anatha या Anathostomata? Vertebrata को belong कर रहे हैं. They are belonging to vertebrata, but they are Anatha. तो false fishes हैं. अगर कोई पूछे कि what is the material? Endoskeleton material of cyclostomata. तो cartilage, right? They cartilage. Are like fishes, but जैसे fishes के पास paired appendages होती हैं, they don't have. Okay? So jaws भी नहीं है because they are following this anatha and paired appendages भी they don't have. Example बोलो, बोलो, जल्दी. Cyclostomata का example. Lamprey, Pentromyzon, lamprey या फिर mixine और hagfish, है ना? Hagfish. कैसे fishes हैं? False fishes. They are mostly parasitic, scavengers, or they have got gill pouches, external gill pouches, asymmetrical fins. और नॉन पेयर्ड फिन्स, साथ ही दे आर कॉल्ड स्लाइम ग्लैंड्स. समवन हैज गॉट स्केवेंजर टेंटाकल्स एज वेल. और माउथ कैसा है? मैम ब्लड सकिंग होता है, ऐसे फ्लैट टाइप का राउंड. आगे याद आ गया? चल क्वेश्चन नंबर, जब हम कोई क्वेश्चन करें अभी प्रैक्टिस टाइम पे तो वी शुड बी वेरी अश्योर कि हम इसे क्यों चूज कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. इसीलिए एक बार बीच में भी करवाए थे ये क्वेश्चंस और अब फाइनली करवा रहे हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं फ्रॉम दिस एनिमल किंगडम. चलिए क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय मैमल्स एंड बर्ड्स. मैमल्स एंड बर्ड कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं करते हैं? वार्म ब्लडेड शेयर करेंगे, ठीक है, ब्रीथिंग यूजिंग लंग भी शेयर करेंगे. ये एक्चुअली दे आर, ये कहते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स आपस में कौन सी चीज शेयर नहीं कर रहे हैं? विविपैरिटी को ना. यस मैम. मोस्टली यही मानते हैं कि मैमल्स आर ऑल्सो, कैसे हैं मैमल्स? ओविपैरस या विविपैरस? मोस्टली हाँ विविपैरस, मोस्टली विविपैरस एक्सेप्ट प्रोटोथीरिया जहां पर आपको स्पाइनी यार्ड ईटर हेड अप हॉक ये सारी चीजें मिली हैं. तो मानते हैं कि बर्ड्स जो हैं दे आर ओविपैरस. तो यही फीचर तो है जो शेयर नहीं हो रहा है विविपैरी. मैमल्स विविपैरस हैं, अब एक्सेप्शन छोड़ो. और बर्ड्स दे आर, बर्ड्स तो एग इज फेमस, दे आर तो रिप्रेजेंटेड है वो ओविपैरी, है ना? सो विविपैरी दे आर नॉट शेयरिंग. क्लियर मैम? ये जो 13 क्वेश्चन है विल यू एक्सप्लेन इट अगेन? बिल्कुल बेटा. इसमें क्या इश्यू आया बताओ? चूज द करेक्ट. मैम बी इज द करेक्ट ऑप्शन एज यू सेड, बट ऑल साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट पॉसेस जॉ. इट इज करेक्ट बट दे आर पेयर्ड फिन्स. नहीं बेटा, एंजियोटेसिस्ट. अरे नहीं बेटा, लेकिन क्वेश्चन में आ गया है. और साइक्लोस्टोमेट्स कुछ ऐसे थे, देखो कुछ ऐसे टाइप के थे और यहाँ पर कुछ फिन्स थे, यहाँ पे पेयर्ड नहीं है, ऐसा कुछ था ना? याद आ रहा है? Yes ma'am. Scales and paired fins. Paired fins नहीं है, they don't have paired fins. Paired fins is the feature of Pisces. देखो pairing start हो रही है ना from Nathostomata. चाहे gonads की pairing हो
whatever type of pairing is from Gnathostomata. Gnathostomata में और भी बहुत सारी चीजें हैं, like middle ear आ गया है, they have got three semicircular canals, right? But answer यही रहेगा. Answer अगर actual है तो यही रहेगा. हालांकि अगर NCERT के according जाते अगर लिखा है, आप कह रहे हैं अगर, तो अगर गलत भी होगा तो उसके लिए CBSE is going to give you, NEET is going to give you full marks for every option. But रहना यही है P वाला. Okay ma'am, clear ma'am. Question number 15. Body having mesh work of cells, internal cavities lined with food filtering, flagellated cells and indirect development are the characteristic of कौन से phylum? Mollusca में, protozoa, coelenterata या porifera? हाँ शर्मुखा, porifera है बिल्कुल. Can you explain your answer? Yes ma'am, porifera. Porifera. Because in porifera indirect development occurs. और they are cellular aggregates, right? और कौन से flagellated cells हैं which are food filtering? They are talking about which food filtering flagellated cells? किस cell की बात कर रहे हैं? ये कौन सा cell है? Kumanocytes और collar cells, है ना? So सारी चीजें याद रखो. चलो क्वेश्चन नंबर 16. मेटाजेनेसिस रिफर्स टू अकरेंस ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Option B. D. B. ठीक, correct. Question number 17. Select the taxon mentioned that represent both marine and freshwater species. कहाँ पे marine भी है, freshwater भी है? बताओ. Echinoderms. मरीन है, सिफेलोकॉर्डेट्स, निडेरिया, टीनोफोरा. अभी ये बताओ, यहां पे थोड़ा डाउट है, बताओ. मैम टीनोफोरा मरीन. टीनोफोरा क्या है? मरीन. मरीन है तो बचा क्या? Echinoderm भी मरीन है. अभी सिफेलोकॉर्डेटा और निडेरिया बचा. निडेरिया के एग्जांपल्स क्या थे? निडेरिया, पाइथोलिया, न्यूरोब्रैकिया. ओके, और सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेट्स में कौन आ रहे हैं? व्हाट इज कमिंग इन सिफेलोकॉर्डेट? बताओ. Bractiosperma. निडेरिया का एग्जांपल दीजिए. निडेरिया मींस नीलोब्लास्ट सेल्स वाले, है ना? फाइजेलिया. फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर. एडामेसिया. एडामेसिया, राइट? तो यही आएंगे 17 का डी, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट्स भी जो हैं, इफ यू रिमेम्बर शुरू के फाइलम जब मैंने आपको लिखवाए हैं कॉर्डेट्स के, तो मैंने क्लियरली कहा था कि यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, दे आर द मरीन फॉर्म्स, राइट? अगर नहीं मिल रहा है तो क्लियर कट आंसर पे जाओ और सोचो कि क्या क्या पता है. क्वेश्चन नंबर 18.
विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सेम फाइलम? चलो अब ये जल्दी से बताओ. इजी है, बहुत इजी है. बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर. ट्राई करो. ए है. क्यों? ऑप्शन ए. बी क्यों नहीं है? व्हाई नॉट बी? मैम बिकॉज सी एनोमिया इज इन प्रेजेंट इन निडेरिया. ठीक है. स्टारफिश स्टारफिशेस कहाँ है? एकाइनो में. और ये क्या है? मलेरियल पैरासाइट. ये क्या है? दिस इज तो प्रोटोजोआ ना. अमीबा भी प्रोटिस्टा में आ रहा है और मॉस्किटो ऑर्थोपोडा में आ रहा है. राइट. ये तो एनिमल किंगडम से आ ही नहीं रहे हैं. क्यों? मलेरियल पैरासाइट और अमीबा तो आर नॉट कमिंग फ्रॉम एनिमल किंगडम, दे आर फ्रॉम प्रोटिस्टा. राइट. और मॉस्किटो कहां से आ रहा है? ऑर्थोपोडा से. अब आते हैं अर्थवॉर्म पे. अर्थवॉर्म कहां से आ रहा है? एनालिडा से. पिनवॉर्म कहां से आ रहा है? पिनवॉर्म एंट्रोबियस. हुकवॉर्म एनसाइक्लोस्ट्रोमा कहां से बेटा? एस्केलमेंथिस से. और टेपवॉर्म प्लैटीहेलमेंथ. अब यहां देखो प्रॉन पैलीमॉन कहां से आ रहा है? ऑर्थोपोडा. स्कॉर्पियन कहां से आ रहा है? ऑर्थोपोडा. लोकस्टा क्या था? लोकस्टा ग्रिगेरियस पेस है ना. ये कहां से आ रहा है? ऑर्थोपोडा. तो ए हुआ ना ऑर्थोपोडा. ठीक. क्लियर सबको? नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स आर. रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन विच इज डिवाइड ऑफ स्केल. ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम. एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन क्लोका. ये सारी बातें तो ठीक पर क्या ये पॉइंट सही है रेप्टाइल्स का? नो मैम. राइट. तो ये तो गलत हो गया. फ्रेश वॉटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बायंसी. वॉटर के है क्या ये? मरीन एनिमल्स विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बॉडी कवर्ड विद प्लैकोइड स्केल्स. ये तो कॉन्ड्रिक्टिस थी ना. बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल्स. Skin scales over the body are appear. Yes, ma'am, it is they do not have external ears. ये बात सही? ठीक है. चल. Next question करते हैं. Let's do next question. Question number 20. Which one of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it? ठीक है. All reptiles possess scales. क्या बोल रहे हैं? Which one of the following categories of animal is correctly described with no single exception? All reptiles possess scales, have a three-chambered heart and are cold-blooded. तो यहाँ पर तो exception है ना? Crocodile. All bony fishes have four pairs of gills and an operculum on each side. All sponges are marine and have collared cells. यहाँ पे भी exception है. Fresh water sponges है बेटा. Fresh water. All mammals are viviparous and possess diaphragm for breathing. ये बात सही. लेकिन यहाँ पर भी तो exception है ovary. Yes ma'am. So bony fishes याद करो ostrichthys जहाँ पे लेविरोहिता का diagram दिखाया था and I have said कि वहाँ पे four pairs ऑफ गिल्स थे एंड ऑपरक्यूलम था दोनों साइड पे. याद आया? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. समझ में आया? गॉट इट? यस. क्वेश्चन नंबर 21.
21. What will you look for to identify the sex of the following? Female ascaris, sharply curved posterior end. Male frog, a copulatory pad on the first digit of the hind limb. ये 21 तक पूछा गया था, but क्या है ये 21 में आ गया था, frog syllabus से हटा था, but तब भी आ गया था 21 में ये question. ये थोड़ा अभी frog का नहीं आएगा. फीमेल कॉकरोच एनल सरकाई, आपने अभी कॉकरोच पढ़ा नहीं है. मेल शार्क क्लास्पर्स बोर्न ऑन पेल्विक फिन्स, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये तो चीज आपने पढ़ी है कि मेल शार्क्स हैव गॉट क्लास्पर्स ऑन देयर पेल्विक फिन्स. क्यों भाई? यस मैम. क्वेश्चन नंबर 22. Which one of the following group of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception? Okay, so देखो, reptilia, they possess three-chambered heart with an incompletely divided ventricle. बिल्कुल ठीक बात ही कह रहे हैं, लेकिन exception है. Chordata, they possess a mouth with an upper and lower jaw. Chordata ये बोल रहे हैं, लेकिन बाकी के chordates का क्या? What about anatha? Chondrichthyes, they possess cartilaginous endoskeleton. Mammalia give birth to young ones. लेकिन यहाँ पर मेरी oviparous exception है, तो correct is chondrichthyes. जैसे sharks, trigon, torpedo, वहाँ पे सब में कैसा endoskeleton है? Bony या cartilaginous? What is the type of endoskeleton in osteichthyes? Bony. And chondrichthyes? Chondrichthyes? Cartilaginous. Good. Question number 23. Figures A to D show four animals. ठीक है, चार एनिमल शो कर रहे हैं फिगर ए टू डी. आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ऑफ दीज एनिमल्स. दो एनिमल्स की कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लेते हुए यू हैव टू सेलेक्ट. एक सेकेंड, इट्स नॉट कमिंग वन वे, जस्ट गो होम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. क्या क्वेश्चन है, मैं फिर से देख ले. Select the correct option with respect to a common characteristic of two of these animals. पहले animals देखें, ये क्या दिख रहा है? Tinea solium. ये क्या है भाई? ये क्या दिख रहा है? Medusa. किसका? Aurelia. कौन से fish? Jellyfish. ये क्या दिख रहा है? स्कॉर्पियन. और ये ऑक्टोपस, डेविल फिश. अब बताओ, वैसे भी ये दो मैचिंग जा रहे हैं सी एंड डी. ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल. ए एंड डी रेस्पायर करते हैं थ्रू बॉडी वॉल. बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री. ऐसा नहीं है. ऑक्टोपस इज, ऑक्टोपस कैसा है? बायलेटरल. सी एंड बी हैव नीडो ब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस. ऐसा नहीं है, ओनली बी के पास नीडो ब्लास्ट है. एम आई राइट? यस मैम. सी एंड डी हैव अ ट्रू सीलो. सी और डी बोथ बिलोंग टू True seal. Orthropods, है ना? ये भी कह सकते हैं. और साथ में अगर वो कहते कि C and D they are truly met, they are showing truly segments, true segments, तो भी ये करेक्ट होता कि नहीं? क्योंकि C and D का yes, ma'am. क्या दोनों, एक सेकेंड, क्या दोनों orthopods से आ रहे हैं? No, ma'am.
मोलस्का मैम, मोलस्का से आ रहे हैं ना, ऑक्टोपस इज मोलस्का, मोलस्का से आ रहे हैं, बट फिर भी बोथ ऑफ देम आर ट्रूली सी लोंग है कि नहीं? यस यस मैम, ये आ रहा है मोलस्का से है ना, एंड दिस वाला फ्रॉम ऑर्थोपोडा, तो मोलस्का तो खैर तब ये पॉइंट नहीं सही होता क्योंकि मोलस्का इज नॉट मेटामेरिस्टिक, ऑर्थोपोडा इज मेटामेरिस्टिक, तो सी एंड डी दे हैव गॉट अ ट्रू सीरो, अभी ये पॉइंट जस्टिफाइड है राइट? यस मैम, गुड, एंजॉयिंग एवरीवन या नहीं? यस मैम, सच्ची वाला ना? Yes, चलो क्वेश्चन नंबर 24. वन एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ माउथ एज वेल एज एनस इज ऑक्टोपस. आपको ऐसा एनिमल सर्च करना है जहां पर दे आर शोइंग ब्लाइंड सैक प्लान, सबसे बड़ी बात है ना, सिंगल ओपनिंग है टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ माउथ एज वेल एज एनस. अब जल्दी सोच लोगे कहां पर ब्लाइंड सैक प्लान मिलेगा, ऑक्टोपस में मिलेगा? नहीं, नो मैम. एसिडिया सेल्फा में? नो. नहीं, पेसियोला हिपैटिका में? यस मैम. नो मैम. अच्छा, और एस्टेरियाज में? एस्टेरियाज क्या है? एस्टेरियाज तो आर कमिंग फ्रॉम विच फाइलम? एस्टेरियास कहां से आ रहे हैं? एस्टेरियास मींस स्टार फिश ना, तो एकाइनोडर्म हुए. अभी जल्दी बताओ फेसियोला कहां से आ रहा है? फेसियोला और कहां से आ रहे हैं? प्लाटी से आ रहे हैं ना, और प्लाटी कैसा प्लान शो करता है? ब्लाइंड साइड प्लान, क्योंकि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विद प्लाटी. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों कहां से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग? एस्केल्मेंथस से. तो उससे पहले तो इनकम्प्लीट है ना, एंड दोज हु हैव गुड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दे आर शोइंग अ ब्लाइंड सैक प्लांट राइट. सो बिल्कुल क्लियर रखो, पेसियोला इज द करेक्ट आंसर. समझ गए? पेसियोला है क्या? यस मैम. व्हाट इज पेसियोला? लिवर फ्लू. लिवर फ्लू किसके लिवर का? शीप के लिवर का. तो फुल नेम क्या है? फेसियोला हेपका हिपैटिका, मतलब लिवर का फ्लू, फेसियोला हिपैटिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Which one of the following statement about all the four of Spongilla, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट? पहले हमें जानना होगा स्पॉन्जिला क्या है. पॉलीफेरा से आ रहा है ना? लीचेस कहां से आ रही है? एनीलिड. पक्का ना? यस मैम. लीच, अर्थवॉर्म, ये सारे कहां से आ रहे हैं? एनीलिडा से. लीच मींस इरुडिनेरिया, डॉल्फिन मेमेलिया से आ रही है राइट, पेंगुइन एप्स से आ रही है, ठीक है? चलो अब सोचते हैं, अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेंगुइन इज होमियोथर्मिक व्हाइल द रिमेनिंग थ्री आर पोइकिलोथर्मिक. एक ये पॉइंट हुआ. रॉन्ग. क्यों? क्योंकि डॉल्फिन भी तो है मेमेलिया से, वो तो होमियोथर्मिक होगी ना राइट. लीच इज फ्रेश वाटर फॉर्म व्हाइल ऑल थ्री आर मरीन, ऐसा है क्या? नो मैम. स्पॉन्जिला जो स्पॉन्जिला है स्पेशल कॉलर्ड सेल कॉल्ड क्वानोसाइट्स नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री, सही है ना? और ये कहते हैं कि ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, तो स्पॉन्जिला क्या है वहां पे? तो सिमेट्री कैसी है? इक्विलेटरल. बुद्धू. एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल ना,
एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जिला में तो सिमेट्री एब्सेंट है, एसिमेट्रिकल तो ये होगा बेटा, स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स नॉट फाउंड इन दी रिमेनिंग थी। बाकी देखो लीच हुआ, डॉल्फिन हुआ, पेंगुइन हुआ, सब जगह बाइलेटरल थी, बट स्पॉन्जिला इज एक्सेप्शन जहां पे एसिमेट्रिकल सिमेट्री है, इसीलिए वी आर नॉट चूजिंग दिस डी वाला, वी आर चूजिंग दिस सी वाला। वैसे भी सी वाला इज करेक्ट, बट डी वाला क्यों नहीं करेक्ट है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि स्पॉन्जिला जो है एसिमेट्रिकल है। ओके क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 26, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन। क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट आया क्या 25 में? इज एनीवन हैविंग डाउट? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल, ठीक है, एंड डॉग फिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। बिल्कुल फिर से देख लेंगे जल्दी से क्विकली, क्रोकोडाइल कहां से आ रहा है? रेप्टिलिया से, पेंगुइन एप से, एंड व्हेल मैमेलिया से। व्हेल्स का जूलॉजिकल नेम क्या है? व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ व्हेल? बोलो बोलो, बी से कुछ, बेलानो बोलो, याद करो, बेलानोप्टेरा। गुड, चलो क्या फीचर, विच वन, अब क्वेश्चन क्या है? क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश। स्कॉलेडॉन है, कहां से आ रही है? पाइसिस से, और वो भी क्वाड्रिक्थिस से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मतलब क्रोकोडाइल और पेंगुइन सिमिलर होने चाहिए टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ठीक है? पॉसेस अ सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पॉइंट, ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच। व्हेल ले एग करती है? नो। पॉसेस बोनी एंडोस्केलेटन, क्या क्रोकोडाइल इज हैविंग बोनी एंडोस्केलेटन और डॉगफिश इज हैविंग बोनी एंडोस्केलेटन? नो नो। हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज? नो। ये पॉइंट तो ठीक है कहीं ना कहीं कि एम्ब्रियो में ही एटलीस्ट गिल स्लिट्स आएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन ये कहना चाहते हैं राइट, ये पॉइंट तो ठीक है कि हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज। एक और पॉइंट है कि पॉसेस अ सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बेटा ये यहां पर क्यों नहीं सही है? व्हाई इज ए नॉट करेक्ट? क्योंकि सॉलिड वर्ड यूज हो रहा है, हॉलो होता है नर्वस सिस्टम, है ना, सॉलिड वर्ड यूज हो रहा है। यस मैम। अभी क्लियर 26? यस यस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस जॉलेस फिशेस? कहां पर है मैं जॉलेस फिशेस? बड़ा आसान सा है। जॉलेस फिशेस क्या है? जॉलेस फिशेस क्या है? साइक्लोस्ट्रोमाटा, एनाथा, तो मिक्सीन, क्या होगा जल्दी बताओ एक बार, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्री, या फिर मिक्सीन, या फिर हैगफिश। कहां से आ रही है? कौन से फाइलम से आ रहे हैं ये जॉलेस फिशेस? कौन से? साइक्लोस्ट्रोमाटा। उससे? हाँ, साइक्लोस्ट्रोमाटा से। एनाथा, करेक्ट, एनाथा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 28 करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, ठीक है, रेप्टिलियन एंसेस्ट्री कहां से बर्ड में दिख रही है? टू स्पेशल चैम्बर क्रॉप एंड गिजर्ड इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, एग विद अ कैल्केरियस शेल, स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स, फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्या पॉइंट आ रहा है? बर्ड ने, रेप्टाइल्स में स्केल है ऑल ओवर द बॉडी,
body. Birds ने सब लूज किया but hind limb पे still they have got scales. ये पॉइंट सही है कि नहीं? करेक्ट है. स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिप्स. अभी सबको क्लियर है ये आंसर या डाउट है? देखो ये बर्ड का फीचर है, ठीक है. एग होगा कैलकेरियस शेल के साथ, स्केल्स जो है वो हाइंड लिप पे होना एक्चुअली फीचर है कि एंसेस्ट्री है. एंसेस्ट्री का मीनिंग होता है कि फीचर यू आर लूजिंग बट थोड़ा बहुत लिंक रह जाना. ओके, तो स्केल्स जो है बर्ड्स पे नहीं है. बर्ड्स के बॉडी पे क्या है? इट इज प्लमेज या पिलाज. प्लमेज है ना, फेदर्स, छोटे छोटे सॉफ्ट फेदर्स है ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट द हाइंड लिम्ब जहां पे अभी भी स्केली है. What is common between parrot? Parrot कहाँ से आ रहा है? Ape से. Platypus कहाँ से आ रहा है? Mammal. Mammal. उसके theria, prototheria. Egg laying वाले से, चलो ठीक. Kangaroo. Marsupial है. Mammal ही है. Theria से आ रहा है और platypus prototheria से आ रहा है. क्या कॉमन है पैरेट, प्लैटिपस और कैंगरू में? नो टर्म्स. होमियोथर्म्स. डी ऑप्शन. तीनों के तीनों होमियोथर्म्स हैं, राइट. वार्म ब्लडेड हैं, क्योंकि एप्स एंड मैमल्स यही दो कैटेगरीज हैं विच आर वार्म ब्लडेड. बाकी जो वाली बात वो कह के आपको फंसाना चाहते हैं, ठीक है. देखो ओवोपैरेटी भी इन दोनों में मिल रही है और टूथलेस जो भी यहीं पे मिल रहा है, क्योंकि पैरेट में जो है मॉडिफाइड बीक. बीक एक्चुअली मॉडिफाइड जो है विच इज टूथलेस. ओके, और जो प्लैटिपस है, अगर आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, व्हेन यू आई टीच यू दिस मैमेलिया, वहां पे मैंने बोला था प्रोटोथीरिया में कि adults they have got beaks है ना, और kids में teeth होते थे. अभी वहां पर toothless है, तो यहां तो fit हो रहा है but यहां नहीं. kangaroo जो है वो young one को ले करता है, उसकी हाँ immature होते हैं, that is why they have got a pouch. okay, चलिए. तो homeothermy एक common feature है. What is, just a second. What is true? What is true about Nereis, scorpion, cockroach and silverfish? क्या true है? नीरीज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वर फिश में. पहले देख लो नीरीज कहां से आ रहा है. एनिलिडा. पक्का? यस मैम. नीरीज में एक और क्या चीज थी? पैरापोडिया. स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन कहां से आ रहा है? ऑर्थोपोडा से. ऑर्थोपोडा. कॉकरोचेस. आर्थ्रोपोडा. और ये सिल्वर फिशेस स्पाइसेस से. चलिए अभी बताते हैं क्या. दे ऑल पोसेस डॉर्सल फिन. डी ऑप्शन इज करेक्ट. आर यू ऑल श्योर? पहले बताओ, तुम लोग क्लियर करो. Yes ma'am, because ma'am B option, none of them is aquatic but Nereis is aquatic and they all belongs to the same phylum. No, ठीक है, they all यहाँ पर same phylum को नहीं belong कर रहे हैं. dorsal horn की बात कर रहे हैं but ये chordata से आ जा रहा है, यहाँ पर ventral horn रहेगा, ठीक है. तो ये भी wrong हो गया.
राइट, नन ऑफ देम इज एक्वाटिक, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये तो है ना क्लियर कट, सेम फाइलम है नहीं. सो डी, दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडिजेस. पेयर्ड अपेंडिजेस में हाँ बता रही हूँ, ऑर्थोपोडा जो है वहां पर क्लियर कट है कि पेयर्ड अपेंडिजेस आना शुरू हो गए हैं, जॉइंटेड अपेंडिजेस आना शुरू हो गए हैं. ठीक है, नीलीज में भी पैरापोडिया दिख रहा था. सिल्वर फिश भी कॉर्डेट से आ रही है जहां पर एक पेंटाडिक्टाइल प्लान है. समझ रहे हैं? टेट्रापोडा बहुत ऑब्वियस है विद पेंटाडिक्टाइल प्लान, बट फिर भी मतलब, लेकिन इस आंसर में मुझे अभी भी डाउट है. यस बेटा, सिल्वर फिश बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा मैम. ओके, नाउ डॉर्सल हार्ट विल बी द ऑप्शन. यस डॉर्सल हार्ट. हाँ अभी क्लियर है. डॉर्सल हार्ट, ठीक है, ये चेक करना होगा. व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ सिल्वर फिश? जूलॉजिकल नेम क्या है सिल्वर फिश का? बोलो शानमुखा. यू आर करेक्ट, 30 का ए ही सही है. अगर ये ऐसी बात है कि नीरीज आ रहा है नालेडा से, स्कॉर्पियन ऑर्थोपोडा से, कॉकरोच भी ऑर्थोपोडा से, और अगर सिल्वर फिश इज ऑल्सो फ्रॉम ऑर्थोपोडा, देन तो इन सब में भाई बिफोर कॉर्डेटा सबके पास जो भी हार्ट है दैट इज डॉर्सल, राइट, और नर्वस सिस्टम वेंट्रल था. तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, बट ये क्लियर करना पड़ेगा कि सिल्वर फिश इज फ्रॉम ऑर्थोपोडा. ठीक है, चलिए. सो एंड ऑफ दिस पीवाईक्यू. मैम Yes, ma'am.
टॉपिक सेल से स्टार्ट करें? यस मैम। शानुका, आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है ना? यस मैम। 2-3 लेक्चर्स में वी विल ट्राई टू फिनिश दिस सेल एंड देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सो दैट आपको क्लियर भी रहे एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे वी कैन गो मोर स्मूथली। ओके? यस मैम। रेशमा, यू हैव नॉट डन दिस सेल चैप्टर ना विद अस, अपनी आप का भी नहीं ना? सो दैट इज व्हाई सेल से ही स्टार्ट करेंगे। मंडे मींस नेक्स्ट वीक, ओके? मेरा मंडे इज नेक्स्ट वीक, तो जब भी आपकी क्लास पड़ेगी मेरी फ्रॉम दैट डे, ओके? बट एक्सप्लेन अगेन द सेल टर्म ना? क्या बेटा रेशमा? सेल चैप्टर यू विल एक्सप्लेन अगेन मैम। यस बेटा, आपने नहीं पढ़ा है ना? यू हैव नॉट डन विद अस ना? यस मैम। इसीलिए मैंने तो सबको प्रॉमिस करा है ना आप लोग को, एंड आई विल कीप माय प्रॉमिस। और हम फास्ट चल रहे हैं, वी आर फार अहेड, एग्जाम जाने वाले हैं जून में, जून एंड में, सो अच्छे से करके फिनिश करते हुए चलते हैं एवरीथिंग। मैम आई थॉट इन 2.2 और यू विल एक्सप्लेन सर्कल 2.2, साथ में पढ़ेंगे बेटा, टुगेदर वी विल डू दिस चैप्टर। यस मैम। ओके? वो भी आपके साथ ही रहेंगे, अब से बायो क्लासेस में साथ लगाऊंगी आपकी, ठीक है? कोई इश्यू तो नहीं किसी को? नो मैम। जिसको आना है, दोज हु वांट टू कम इन ऑफलाइन, आप आइए आराम से, क्योंकि 2.0 में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हुआ ऑफलाइन, तो आप आएंगे तो यू विल ऑल्सो एंजॉय। ओके? बिल्कुल आपको अकेला नहीं लगेगा, एंड दोज हु आर ऑनलाइन वो तो आप आइए ही आइए ऑब्वियसली, ठीक है? अगर आप ऑफलाइन में इफ यू वॉन्ट टू कम तो आप आइए। सो बायो क्लासेस अब चैप्टर्स में साथ लेके चलूंगी आपके, ओके? क्योंकि अब जो चैप्टर्स हैं दे आर कॉमन चैप्टर्स। और एक चीज कि अभी मैं ही आपको बायो पढ़ाऊंगी, अभी खुश सपना? यस मैम। ठीक है? यस अंकल, ना सर पढ़ाते ठीक है, लेकिन जो कनेक्टिंग है वो अच्छा नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वो। सर बहुत अच्छे हैं, पर ठीक है, अब आपका आपकी मर्जी के, आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे चाहा। मैम कल्पना सर इज आल्सो गुड इन टीचिंग। यस आई नो, बिकॉज़ द वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड। यस आई नो, उनसे भी पढ़ना है, लगवा दें आपकी भी क्लासेस। बट आपकी ख्वाहिश थी, दैट इज व्हाई मैंने फिर बोला कि ठीक है आई विल बी टेकिंग दिस होल। अभी खुश है ना सारे? अभी ये तो नहीं कहेंगे ना फिर कि चलो मैम नहीं मैम नहीं, ऐसा तो नहीं करना ना? मैम यू आर हैप्पी। हैप्पी? हैप्पी। चलिए। यस। मेरे बच्चे हैप्पी एंड दैट्स व्हाट आई एम हैप्पी। चलिए, इसीलिए मैंने बोला कि ठीक ओके चलिए लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट असाइनमेंट पे आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे कर करके चलेंगे, जहां पर भी कहीं भी कोई डाउट आएंगे उन्हें करते चलेंगे, नॉट एन इश्यू। और जो चैप्टर्स आपके रह गए उन्हें भी वी विल डू एवरीथिंग। तो अवनी, रेशमा स्पेशली, यू आर माय हेडलाइन के इस बात से आपका नहीं हुआ है सिर्फ चैप्टर, ओके? एंड जिसका हुआ है बी रेडी। यस बेटा, आई नो यू हैव नॉट डन विद अस सिर्फ चैप्टर, ठीक है? तो जिसका, एंड आई रिमेम्बर एवरी चैप्टर कि किसका क्या हुआ है, जिसका हुआ है बी रेडी, ठीक, पढ़ के आना है। एंड इस बार खूब अच्छे से, मोर चैलेंजिंग वी विल डू, और सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसके बेसिस पे बाकी चैप्टर्स जाते हैं, ओके? आई एम आल्सो कमिंग फ्रॉम आई थिंक लाइसोसोम। आपको सेल से शुरू करो फिर से, ओके? शानमुखा एंड अंकित जो है दे आर फ्रॉम द बिगनिंग, शानमुखा का एक बार फिर से इट इज गोइंग टू रिवाइज, राइट शानमुखा? यस मैम। बहुत दिन हो गए फिर से पढ़ना। चलो, एनिमल किंगडम में असाइनमेंट था, असाइनमेंट नंबर 1 से ही मैं बताना चाहती हूँ कि लेट्स सी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े हायर लेवल के हैं, सम क्वेश्चंस आर ऑफ हायर लेवल, ठीक है?
अगर कर रहे हैं तो जैसे वहां पे अभी देखा था PYQ के एंड पे आंसर्स होते हैं, यहां पर भी आंसर्स आर गिवन टू यू, ये देखो तुम लोग, ठीक है। आफ्टर एवरी असाइनमेंट आंसर की इज गिवन, अभी तो मैं डाल रही हूँ कि सब याद कर लोगे फटफट, ओके। आंसर की है बट एक बार वी विल ट्राई ऑन अवर ओन, हम खुद करेंगे और तब देखेंगे कि वाई। आप दोनों तरह से कर सकते हैं कि एक बार आप सारे लगा लीजिए एंड देन एट द एंड मैच योर आंसर, बट मुझे क्या लगता है जैसे एक करा एंड देन मैच योर आंसर कि वाई इट इज नॉट कमिंग या वाई इट इज कमिंग, ओके, उस पर अश्योर हो जाइए एंड देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट यू हैव टू यूज यूटिलाइज योर एनर्जी एक ही बार में, ओके। एक कर लिया देन उसका आंसर देखा, देन कर लिया देन उसका आंसर देखा। So, ये जो असाइनमेंट था ये वाला क्लास में करवा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस इज सेल्यूलर टिश्यू लेवल, ए सेल्यूलर ऑर्गेन सिस्टम, सेल्यूलर, ठीक है। हाइड्रा द सिमेट्री इज एब्सेंट, बाइलेटरल, रेडियल, स्फेरिकल, रेडियल, हाइड्रा कहां से आ रहा है, सीलेंट्रेटा से, कैसा है, पॉलिप या मेड्यूसा, पॉलिप है, ठीक, सिमेट्री रेडियल। क्वेश्चन नंबर 3, सिमेट्री फाउंड इन एन एनिमल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय वन प्लेन ओनली, बाइलेटरल, इजी है। सो तुम ये देखो कि असाइनमेंट जो बनाए हैं वी एंड दीज आर माय हैंडमेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। सो ये क्या है, यहाँ पे लाइक द वे यू आर स्टार्टिंग विद योर चैप्टर उसी अकॉर्डिंग द डिफिकल्टी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग का पोर्शन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट वेयर All the digestive glands are present, both anus and mouth is present. Digestion occur in the cavity of digestive tract, या digestion occur in the individual cell lining the digestive tract. Ma'am, वो दे the third question. हाँ? हाँ ma'am, the third question, the symmetry found in animal which can be divided into two similar, not in identical. If it is identical, then it should be a bilateral, na ma'am. तो bilateral ही होगा, सिमिलर का मतलब वही है, दो एक जैसे हाफ में डिवाइड होना मतलब bilateral symmetry, ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोथ एंड मैम बी, ठीक है। तो बड़े बड़े सेंटेंसेस से कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सीलोन डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज पक्का फॉल सीलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सीलोम इज कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल एनक्लोज्ड बाय देखो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं एक बार, ये हो गई जस्ट से ओके ओके, ये हो गया एंडोडर्म, देन उसके ऊपर मीजोडर्म, लेकिन मीजोडर्म तो डिवाइडेड है राइट, ये भी मीजोडर्म है राइट, ये भी मीजोडर्म है ना, ये बोथ लाइनिंग मीजोडर्म है और उसके ऊपर एक्टो है, तो सीलोम कौन बना रहा है बताओ, मीजोडर्म यहां पर सीलोम है ना, मीजोडर्म ऑन बोथ साइड, ओके। ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय यही आंसर है मीजोडर्म, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को एक ही पॉइंट को कई तरह से आई हैव गिवन ताकि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपको आए यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 8, सीलोम कैविटी इज फाउंड बिटवीन
अब यहाँ पे थोड़ा सोचो, होमोसेपियंस क्या है भाई? सीलोमेट, सूडो सीलोमेट, एसीलोमेट, पैरासीलोमेट, सीलोमेट है, क्वाड्रेट्स है ना? क्वेश्चन नंबर 10, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू गो टू स्पेस? थोड़ा अनरिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए, डॉग था, ठीक है? इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ट्रू सीलोम अपियर्ड फर्स्ट इन एनेलिडा। पक्का? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12, anus develop first in the embryo and mouth is formed later, this is called deuterostomes, deuterostoma, ठीक है? कहाँ कहाँ पर है? Where you are watching deuterostomes? कौन से दो phylum है which are related, which are showing this category? Echinoderms and chordates. Echinoderms and chordates. एकाइनोटर्मेटा में और कॉर्डेटा में, मतलब स्टार फिशेस हमारे एंसेस्टर हैं। शाइजोसीलोम इज फाउंड इन, शाइजोसीलोम क्या था? ब्लड फिल्ड सीलोम था, याद है? एनालिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्यों क्यों क्यों? शाइजोसीलोम जो आ रहा है ये कहां कहां पे आ रहा है? ऑर्थोपोडा में क्लियर आ रहा है, मोलस्का में क्लियर आ रहा है, और साथ ही साथ जो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स है ना, लाइक आपका जो है उसको कुछ और वर्ड बोल रहे हैं, बट जो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स का सीलोम है आप ये याद रखेंगे कि वहां पे उसको शाइजोसीलोम बोल रहे हैं, इसी वजह से इट इज ऑल ऑफ दीज। अब बताओ मेटामेरिज्म इज कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब दिख रहा है इन ऑर्थोपॉड, कॉर्डेटा, मोलस्का, एनालिडा, लेकिन सबसे अच्छे से कहां दिख रहा है मेटामेरिज्म प्रेजेंट और मेटामेरिज्म विजिबल होना? ये तो पता है कि मेटामेरिज्म है ना, लेकिन सबसे अच्छे से कहां पे दिख रहा है? एनालिडा में। रिंगवॉर्म्स हैं? नहीं, कौन से वॉर्म्स हैं? एनालिड्स में, अर्थवॉर्म मिलेगा, और क्या क्या है एग्जाम्पल? नीज और ब्लड सकिंग लीच। बिल्कुल करेक्ट, हिरुडिनारिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, एनिमल डिवाइड ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर कौन? जहां ना रेस्पिरेटरी है, ना एक्सक्रीटरी है, ना सर्कुलेटरी है, कहां? क्योंकि ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, राइट? क्वेश्चन नंबर 16, इन विच बुक, ये पहले का क्वेश्चन है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, कहां पे पहली बार आया था? बी, सिस्टमा नेचुरी, किसने दिया था? हु हैज गिवन दिस बायनोमियल नोमेनक्लेचर? ये डिवीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसने दिया था? बुक ऑफ कार्लस लीनियस ना, सिस्टमा नेचुरी। क्वेश्चन नंबर 17, कैरियो टेक्सोनोमी इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की बात करती है ये। तो यहां से रिविजन क्वेश्चन आने लगे हैं आफ्टर क्वेश्चन नंबर 15, तो ये तब आपको ज्यादा यूजफुल होगा जब when you are done with all these chapters, ठीक? इसको छोड़ते हुए पढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वॉज रिलीज बाय, ये आपका क्वेश्चन है इकोसिस्टम इकोलॉजी का, IUCN है जो लिस्ट देता है इंडेंजर्ड स्पीशीज की. सूडोसीलोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्केलेंथिस. ठीक है, सो आई हैव गिवन यू अ ग्लिम्स ऑफ दिस असाइनमेंट एज वेल. तो PYQ अपलोड कर दूंगी क्योंकि दैट इज नॉट विद यू और असाइनमेंट आपके पास ऑलरेडी है. ओके, इसको आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड. सही है कि चाहते हो? नो मैम. ठीक, अब आ जाते हैं वापस ऑन द टॉपिक. तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी. वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे, राइट? आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया? मैंने तो बड़ा, मुझे तो बहुत मजा आया. आई एंजॉयड अ लॉट. यस मैम. वैसे भी टीचर्स तो दे एंजॉयड आस्किंग क्वेश्चन. चलिए, यस्टरडे वी टॉक अबाउट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स. थोड़ा कल की बात करें. Yesterday we talked about viruses, viroids and prions. Tell us anyone who can explain me prions. Aaj, I want to listen from Avni first. Avni kabhi nahi bolti hai. Today she will speak. Sab log dekho aaj Avni kitna achha bolne wali hai. Avni, beta chalo aaj kuch karo, rocking sa. Speak something about prions. Meri awaaz ja rahi hai abhi tum tak? I'm audible to you. Poojita, aapko ja rahi hai meri awaaz? I'm audible to you. दो लोग जो क्लास में कभी नहीं बोलते हैं, वन इज पूजिता, अदर इज दी अपनी. क्यों, मुझसे कुछ नाराजगी है? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड. ओके, शीतल, शीतल प्लीज एक्सप्लेन प्रायॉन्स. यस मैम. मैम, क्रायॉन्स आर डिसमेंटल प्रोटीन, मीन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन्स. दे आर सिमिलर साइज टू वायरसेस एंड द डिजीजेस आर कॉज्ड मैड काउ डिजीज. अनदर नेम ऑफ दिस इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म. बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी. यस मैम. और ह्यूमन एंड जी जैकब डिजीज, सी आर जैकब डिजीज. ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स. तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स क्या होती हैं? दे अक्यूमुलेट इन द ब्रेन. मैड काउ डिजीज हो रही है ना, मतलब काउ इज गेटिंग मैड. सिंपल. तो अगर समथिंग, सम प्रोटीन इज मिसफोल्डिंग इन योर ब्रेन, तो ब्रेन का यूजुअल वर्क विल स्टॉप, है ना, एंड पर्सन विल शो मेंटल रिटार्डेशन. तो प्रायॉन्स का कोई इलाज नहीं है. दे डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट सो फार, राइट? क्यों हो रही है वो भी इट इज नॉट क्लियर. बट ये है कि इट इज बिकॉज ऑफ मिसफोल्डेड एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. ठीक, काउ में मैड काउ डिजीज बोवीन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी के नाम से है. शीप में, गोट्स में इट इज कॉल्ड स्क्रैपी, उसको स्क्रैपी बोलते हैं, राइट? डियर में भी आ रही है लिटिल बिट, लेकिन आपके पास जो है इट इज मोस्टली बोवीन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी और मैड काउ डिजीज इज मेंशन इन द एनसीईआरटी. साथ ही साथ इसका ह्यूमन कंटर पार्ट इफ वी टॉक अबाउट इज सी आर जैकब डिजीज. ह्यूमंस में भी दिस हैज बीन सीन. अब जो इसका साइज है प्रायॉन्स का, That is similar to the similar बोल रहे हैं, because every virus is different, है ना? मतलब उतना लमसम size it is showing as of viruses, but viroids जो हैं they are smarter. अच्छा, prions जो हैं they are just proteins, misfolded है, कुछ भी है, protein है. They don't have nucleic acid. But viruses क्या है? They have got nucleic acid as well as a protein envelope.
ठीक, इसीलिए वायरसेस आर कॉल्ड कैसी प्रोटीन? न्यूक्लियो प्रोटीन. वेरी गुड पुष्किन, इसीलिए वायरसेस आर कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन. हालांकि प्रोटीन जैसे मैंने कल आपको बताया इज नॉट फिक्स्ड इन बिटवीन देम, कि स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन नहीं है, बट न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीनेशियस एनवेलप व्हिच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं प्रोटीन के एनवेलप को, बोलो जल्दी. कैप्सिड. वेरी गुड रेशमा, कैप्सिड. टोबैको मोजैक वायरस इज शोइंग अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. टीएमवी क्या है? प्लांट वायरस है. प्लांट वायरसेस आर मोस्टली आरएनए वायरस. ठीक, कोई एक्सेप्शन आ जाए तो अलग है. और टीएमवी इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. जो बैक्टीरियोफेज आपने देखा, बैक्टीरियल वायरस, दैट वाज द डबल स्ट्रैंडेड. क्या था शानमुखा, बोलो. डबल स्ट्रैंडेड. शानमुखा यहां पे क्या देखा था? बैक्टीरियोफेज में ये क्या था? डीएनए आरएनए. करेक्ट पुष्किन, वेल ट्राइड. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था और टीएमवी में इट वाज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक, तो वायरसेस में यू कैन से आरएनए एज वेल एज डीएनए, राइट? बट वायरॉइड्स में, वायरॉइड्स आर न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन. दे आर ऑफ मच स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू वायरसेस. और वायरसेस की वायरॉइड्स की स्पेशलिटी है कि दे आर ओनली आरएनए. ठीक है, चलो. सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग माय सेशन, और उसके बाद के नेक्स्ट चैप्टर में वी विल बी स्टार्टिंग.